सो हे गाइस, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, क्योंकि गाइस मैं इस चैनल के ऊपर बहुत दिनों बाद अपने वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और गाइस मैं अब आपको बोलता हूँ, क्योंकि मैं अब थोड़ा फ्री हो चुका हूँ, तो गाइस अब मैं एक वीक के अंदर कोई 2 या 3 वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड किया करूँगा। और गाइस कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितनी मेरे से हो सकती हैं, कि मैं आपको बहुत सी वीडियोस दे सकूँ, जिससे कि आप उन सबको वीडियोस को देखकर कोई ना कोई सोल्यूशन ले सको। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे, तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि हम आज की वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। गाइस हम सीखेंगे कि आप एक क्लिक के ऊपर कैसे अपनी किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, वो भी अगर आपकी इमेज का प्लेन बैकग्राउंड है, किसी भी कलर का हो गाइस, कोई इशू नहीं होगा उसमें, बट आप एक क्लिक के अंदर उसको कैसे रिमूव कर सकते हो, वो भी इमेज के अंदर। तो गाइस ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि अपने कंप्यूटर के ऊपर, कि आप कंप्यूटर पे कहाँ पर जाओगे, किस तरह से आप अपनी इमेज का एक क्लिक के ऊपर अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, और उस इमेज को आप यूज कर सकते हो गाइस अपने किसी भी यूट्यूब थंबनेल के लिए, अपने सोशल मीडिया के डिजाइनिंग के, अगर आपने पोस्ट बनाने उसके लिए यूज कर सकते हो, आप अगर उसकी इमेज को कहीं और यूज करना चाहते हो तो आप वहां पर भी उसको यूज कर सकते हो। आपकी एक तरह से गाइस वो जेपीजी इमेज कन्वर्ट हो जाएगी पीएनजी इमेज में, जो कि किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप उसको प्लेस करोगे, प्लेस करने के बाद क्या होगा कि वो इमेज ऐसे लगेगा कि उस बैकग्राउंड के ऊपर ही खींची गई है, क्लिक की गई है या उसको सेव किया गया है। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और जाकर देखते हैं कि आप कैसे कर सकते हो। हाँ, तो गाइस जैसे कि अब आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हो, तो गाइस आप देख सकते हो कि आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन आ रही है। तो आपने इस कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद आपको क्या करना है, तो गाइस अगर आपने पहले ही इमेज कोई क्लिक की हुई है या आपने कहीं से सेव की है इंटरनेट से या कुछ भी किया, आप उस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अब आप उन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा सिर्फ, और कुछ नहीं करना आपने, आपकी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले गाइस देखिए हम चलते हैं अपने, तो गाइस हम अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो गाइस जैसे ही हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन होगा यहाँ पे, तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन हो चुका है। तो गाइस अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं गाइस चाहता हूँ एक कि मेरे पास कोई इमेज हो जो कि मैं जिसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकूँ। तो उसके लिए गाइस हमें क्या करना है, सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं लिखता हूँ गाइस स्टूडेंट इमेजेस। तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट इमेजेस लिखा है, तो आपको मैं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर गाइस सिंपली अभी लिख रहा हूँ स्टूडेंट इमेजेस PNG। अगर मैं यहाँ पर PNG लिखेगा, आप देखोगे कि मैं अगर यहाँ से कोई इमेज को निकालता हूँ, तो आपके सामने क्या होगा कि यहाँ पर जितनी भी अब इमेज आएंगी ना ये सर्च होने के बाद, तो सर्च होने के बाद जो इमेजेस आएंगी वो सारी आपकी PNG फॉर्मेट में होगी ऑटोमेटिकली गाइज, वो सारी की सारी PNG फॉर्म में होंगी। बट गाइज आपको क्या होगा कि आप जैसे देख सकते हो कि हमारे पास ये एक इमेज है यहाँ पे, जो कि मैंने अभी यहाँ पर क्लिक की है, तो क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है कि ये वाली इमेज हमारी यहाँ से ये PNG फॉर्म में ही है हमारी इमेज। बट हमें क्या करना है कि हमें जेपीजी इमेज को कन्वर्ट करना है ताकि हम उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकें। तो उसके लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इमेज लेनी पड़ेगी जो कि हम यूज कर सकेंगे अपने लिए। तो गाइस मैं सिंपली एक ही इमेज है, इस इमेज को मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर। तो गाइस मैंने इसको डेस्कटॉप पे अपने रख लिया है, तो आप देख सकते हो कि गाइस ये हमारी इमेज को मैं अगर ओपन करता हूँ, तो गाइस आप देखोगे कि इस इमेज के अंदर क्या हो रहा है। तो इस इमेज के अंदर गाइस आपको दिख रहा है कि अब यहाँ पर एक ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट के यहाँ पर एक बैकग्राउंड में एक वॉल आ रही है एक तरह से, जो कि हमारी ग्रे कलर की आ रही है। अब हम चाहते हैं कि हमारी ये ग्रे कलर की जो वॉल है ना ये यहाँ से रिमूव हो जाए, इसका मतलब यानी कि बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। तो उसके लिए गाइस आपने क्या करना है, सिंपली गाइस आप दोबारा से अपने क्रोम ब्राउजर पे जाओगे, आप न्यू टैब ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप गाइस यहाँ पर सर्च करोगे रिमूव बीजी। तो गाइस जैसे आप रिमूव बीजी को यहाँ पर सर्च करते हो, तो आपके सामने के सबसे पहला लिंक आएगा गाइस यहाँ पर, जो कि रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेजेस के लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गाइस जो ये लिखा हुआ है ना रिमूव बैकग्राउंड इमेजेस आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन दिखेगा। तो गाइस आपने सिंपली क्या करना है, आपकी जो इमेज है ना आपने उस इमेज को यहाँ पर अपलोड करना है। तो गाइस मैं अपनी उस वाली इमेज को यहाँ पर अपलोड करता हूँ, तो मेरी वो डेस्कटॉप पर गाइस पड़ी है, तो मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ अपने, डेस्कटॉप पर गाइस ये हमारी इमेज थी, मैं इसको अपने ब्राउजर में लेके आकर यहाँ पर इसको अपलोड कर देता हूँ। तो गाइस देखिए जैसे मैंने इस यहाँ पर इमेज को अपलोड किया, तो आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग होगी 1 या 2 सेकंड की, तो उसके बाद गाइस आप देख सकते हो कि हमारी इसका इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, जैसे कि आपकी पीएनजी फॉर्मेट में होती है। अब गाइस सिंपली हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया इमेज को, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर इमेज डाउनलोड हो चुकी है। और गाइस अगर आप देखोगे कि इस इमेज के बैकग्राउंड पर कुछ भी नहीं है अब इस टाइम पे हमारे, अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए, कि यहाँ पर ना एक मैं अपना फोटोशॉप को ओपन करता हूँ, ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि दोनों इमेजेस में क्या डिफरेंस आया है अब हमारा, एक पहले हमारी इमेज थी और आपकी इमेज में, हम दोनों की इमेज में क्या डिफरेंस है।
हाँ तो गाइस जैसे कि मेरे यहाँ पर फोटोशॉप ओपन हो चुके हैं, तो फोटोशॉप ओपन होने के बाद मैं गाइस आपको दिखाऊंगा कि उन दोनों इमेजेस में क्या डिफरेंस है। तो गाइस मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो हमारा एक कलर है ना व्हाइट कलर में, इस व्हाइट कलर को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने गाइस यहाँ पर क्या करना है, मैं सिंपली इसको यहाँ से लेयर को अनलॉक करता हूँ। अनलॉक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका इमेज जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है उसको मैंने रेड कर दिया है। तो गाइस अब मैं आपको यहाँ पर दोनों इमेजेस को प्लेस करके बताऊंगा कि आपको पता चलेगा डिफरेंस कि दोनों इमेजेस में क्या डिफरेंस है। तो गाइस ये हमारी पहले वाली इमेज है जो कि हम इस पर प्लेस कर रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि क्या हुआ कि हमारी जो पहले इमेज थी वो जेपीजी फॉर्मेट में थी, तो उससे क्या था कि हमारा इस इमेज के ऊपर बैकग्राउंड आ रहा था। अब मैं इस इमेज को यहाँ से गाइस डिलीट करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ जो कि हमने इमेज अभी डाउनलोड की है। तो गाइस डाउनलोड करिए जो इसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया, अब वो हमारी ये वाली इमेज है। तो गाइस आप देख सकते हो कि इस इमेज का यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब इस इमेज को हम जहाँ भी यूज करेंगे तो ये विदाउट बैकग्राउंड प्लेस हो जाएगी और उसी बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से आप सिंपल एक दो क्लिक के अंदर ही अपने बैकग्राउंड की, अपने इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप सिंपली एक दो स्टेप फॉलो करके अपने इमेज के बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हो। तो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि गाइस मेरे इस चैनल पर ऐसी बहुत सी वीडियोस आती रहती हैं जिनको देखकर आप अपने लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकते हो। तो गाइस बस यही आपसे कहना चाहता था मैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।